कुछ ऐसी मिलती थी। ठीक है, इसमें देखो हीरो वगैरह ऐसा लिखा हुआ रहता है, सिर्फ ऐसे ही छपा हुआ। और ये है भाई 2024 की लेटेस्ट मॉडल की चाबी एक्सट्रीम की, देखो, जिसमें कि भाई आपको हीरो कुछ 3D टाइप में देखने को मिलता है, इस तरह से निकला हुआ। ठीक है, और ये दोस्तों कोई बटन वगैरह नहीं है, ये हीरो की बैजिंग है जो काफ़ी प्रीमियम की गई है, देख लीजिए आप। और ये ओल्ड मॉडल की चाबी है, सबसे पहला अपडेट तो इनकी भाई चाबियों में देखने को मिलता है। अगले दोनों में USD फॉक्स आने वाले हैं। एक और चीज़ अपडेटेड है जो बहुत बड़ी है, यहाँ देखिए इसमें कोई रिफ्लेक्टर वगैरह आपको नहीं दिया जाता था, ठीक है, इन सस्पेंशंस पर, लेकिन लेटेस्ट वेरिएंट में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए जाता है, काफ़ी प्रीमियम किया गया है इन फॉक्स को। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सस्पेंशंस में भाई हैं, इंडिकेटर्स आप देख लीजिए काफ़ी मोटे से थे, ये वाले थोड़े पतले से किए गए, ये वाले ज़्यादा सही प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस लेटेस्ट वेरियंट में। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया की गई है, इसके अंदर की LED भी भाई चेंज करी गई है, जो काफ़ी क्लिंग 2024 का ये वाला लेटेस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको सिंगल सीट प्रोवाइड की जाती है, और ये भाई पुराना वेरिएंट है जिसमें आपको डबल सीट प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि स्प्लिट सीट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो जो चेंजेस हैं वो आप लोगों के सामने अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। इसकी भाई टेली, ग्रैब रेल, सीट, हेडलाइट, भाई KYP सस्पेंशन तो मिलते ही हैं, USD फॉक्स देखने को मिलते हैं। इसका भाई ग्राफिक्स वगैरह चेंज है 2024 मॉडल के, और ओल्ड वाले का भाई ग्राफिक्स वगैरह चेंज हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको फटाफट दिखा देते हैं एकदम सही तरीके से। सबसे पहला जो चेंज किया गया ना भाई इन दोनों बाइक्स में, ये भाई 2024 का लेटेस्ट मॉडल है 160R4V का, ये भाई ओल्ड मॉडल है। सबसे पहला चेंजेस इनकी भाई चाबी में किया गया है, तो देखो चाबी आपको दिखाई देते हैं। ये है भाई ओल्ड मॉडल की चाबी, ठीक है, जो कि कुछ ऐसी मिलती थी। ठीक है, इसमें देखो हीरो वगैरह ऐसा लिखा हुआ रहता है, सिर्फ ऐसे ही छपा हुआ। और ये है भाई 2024 की लेटेस्ट मॉडल की चाबी एक्सट्रीम की, देखो, जिसमें कि भाई आपको हीरो कुछ 3D टाइप में देखने को मिलता है, इस तरह से निकला हुआ। ठीक है, और ये दोस्तों कोई बटन वगैरह नहीं है, ये हीरो की बैजिंग है जो काफ़ी प्रीमियम की गई है, देख लीजिए आप। और ये ओल्ड मॉडल की चाबी है, सबसे पहला अपडेट तो इनकी भाई चाबियों में देखने को मिलता है, जो काफ़ी सही लगा मुझे भाई, प्रीमियम चाबी करी गई है, मज़ा ही आ जाता है। तो दूसरा अपडेट आप लोग देख लीजिए, इसका जो भाई डुअल चैनल ABS है, जो आपको फटाफट दिखा देते हैं, 2024 में देखिए यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये ओल्ड मॉडल वाला है, इसमें देखिए आपको सिंगल चैनल ABS फ्रंट में मिल जाता है, 276mm की डिस्क पैटल डिस्क ब्रेक आपको इसमें भी फ्रंट में मिलती है, इसमें भी आपको 276mm की पैटल फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। आप देखिए जो इसका रेयर वाला सेक्शन है पीछे, देखिए इसमें भी आपको भाई 220mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है विद भाई डुअल चैनल ABS। ये रहा भाई ABS का सेंसर, और ये भाई ओल्ड मॉडल वाली गाड़ी रहने वाली है। ठीक है, और देखिए इसमें भाई आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, ABS वाला भाई रिंग यहाँ से गायब है, सेंसर वगैरह वो भी देखने को नहीं मिलता है। और जो मेन बड़ा चेंज है वो इसकी टेल लाइट में भी है, तो एक बार टेल लाइट भाई देख लीजिए। ठीक है, टेल लाइट देखिए किस तरह से देखने को मिलती है, नई वाली तो आपने बहुत देखी है, सबसे पहले देखो पुरानी वाली देख लीजिए, ये वाली टेल लाइट देखिए कैसी दी जाती थी भाई, इतनी सी, ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती थी देखने में। ठीक है, हालांकि ब्लिंकिंग तो भाई उसमें ही देखने LED में ही प्रोवाइड करी जाती थी। और ये वाली टेल लाइट देख लीजिए, ये थोड़ी चौड़ाई दी गई है एक्सट्रीम के भाई हीरो की ब्रांडिंग की तरह, भाई इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम लुक दिया गया है, प्रीमियमनेस काफ़ी बढ़िया की गई है। इसके अंदर की LED भी भाई चेंज करी गई हैं, जो काफ़ी ब्लिंकेबल रहने वाली हैं, ये आपको लेजर हेडलाइट टेस्ट वगैरह करेंगे तब सब आपको देखने को मिल जाएगा नाइट में। ठीक है, और बड़ा अच्छा चेंज क्या किया गया है वो भाई मोटा मोटा, वो इसके ग्रैब रेल, हम लोग बस यही देखते हैं ना वीडियोस में कि ग्रैब रेल भाई चेंज किए गए हैं, ऐसे किए गए हैं, ऐसे किए, देखो ग्रैब रेल कितने अलग से किए गए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, और इसका ग्रैब रेल देख लीजिए, इसके ग्रैब रेल बिल्कुल यहीं से निकले हुए, बिल्कुल प्लेन सपैट इसके साइड से, इसके भी भाई बिल्कुल प्लेन सपैट साइड से, इनमें कोई अंतर नहीं था। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये भाई थोड़ा सा दूर से किए गए हैं, पकड़ने में आसानी, उसमें भाई सामान वामान भी बांध सकते हो, रस्सी वस्सी वगैरह जो भी आप करना चाहते हो। और इसके देख लीजिए दूर से, आपको एक बार ऊपर से दिखाई देते हैं कि इसके भाई चिपके हुए से थे। दूसरा इसका भाई जो टेल काउल है वो देखिए, ठीक है, टेल काउल देखिए, उसमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, टेल काउल देखिए, इसका भाई सिर्फ सिंगल टेल काउल है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, इसमें काफ़ी बढ़िया ग्लिटरी फिनिशिंग दी गई है, और जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है उसमें यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए सीट खोलने के लिए, चाबी के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको हीरो का एनवलप देखने को मिलेगा स्टिकिंग में। ठीक है, और सिंगल टेल काउल इसमें नए वाले में देखने को मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया अपडेट है भाई, टेल लाइट चेंज हुई है, ये भी चौड़ा किया गया है, यहाँ पर भी आपको सिंगल टेल काउल देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट अलग किया गया है, प्लास्टिक का रहने वाला है। अब इस पुराने वाले में देखिए, तो इसमें देखो जो टेल काउल भाई डिवाइडेड है, ठीक है,
ये अलग है, ये यहाँ पर अलग है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका देखिए टेल काउल कितना पतला है, और इस साइड से दिखा दें तो ये वाला टेल काउल भी डिवाइडेड है हीरो की ब्रांडिंग। और हीरो की ब्रांडिंग भी थोड़ा अप डाउन की गई है, जैसे कि देखो इसमें ये वाले हीरो की ब्रांडिंग थोड़ा नीचे वाले पे दी गई थी, और नए वाले में ऊपर की दी गई है, और ग्लॉसी ग्लिटरी फिनिशिंग करी गई है। आप लोग साफ देख लीजिए भाई, काफ़ी अपडेटेड है एक्सट्रीम। इसीलिए भाई बाइक लेनी है तो ये लो भाई, इंजन आपको मज़ेदार इसमें देखने को मिलता है, पावर बहुत बढ़िया है, 163.2 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है, ठीक है, तो पावर के मामले में बहुत दमदार रहने वाली है। दूसरा देखिए सीट, स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, राइडर को मज़े दिलाने वाली है। स्प्लिट नहीं, सिंगल सीट, सॉरी माफ़ करिएगा, स्प्लिट सीट तो भाई इस ओल्ड मॉडल में देखने को मिलती है। ये देखिए जो भाई पिलियन पीछे बैठता है उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा जाती है, और आप एक बार इसकी सीट हाइट डीपनेस देख लीजिए। वैसे लुक तो बढ़िया ये भी करती है प्रोवाइड, लेकिन स्प्लिट सीट से भाई लोग परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है, हाइट वाइट को इशू वगैरह को लेकर लेडीज़ वगैरह को, ठीक है, उनको दिक्कत होती है। लेकिन ये जो भाई सिंगल सीट आया है ना, ये काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, स्प्लिट सीट की दिक्कत ख़त्म, बहुत बढ़िया भाई सिंगल सीट किया गया। सीट के ऊपर का कवर की स्टिचिंग वगैरह सब कुछ चेंज करी गई, यहाँ पे एक्सट्रीम 160R का बैजिंग देखने को मिलता है, फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया की गई है इस वाले नए मॉडल में। और पुराने वाले में देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा जो भाई नियॉन ग्रीन कलर है उसका टच भी दिया गया है, ठीक है, ये सही है। और भाई टैंक वैंक पर ग्राफिक्स भी थोड़े चेंज किए गए हैं, आपको खोल के दिखाते हैं, दिखा इसे इसे थोड़ा हटा, ठीक है, तो टैंक के ग्राफिक्स देख लीजिए, पुराने वाले पे हीरो एक्सट्रीम 3D एनवलप में देखने को मिलता है, ये देख लीजिए, आप इसको फाड़ मत, इसमें देखिए, ठीक है, टैंक के ग्राफिक्स वगैरह सब सेम रहने वाले हैं, बस थोड़ा प्रीमियमनेस अपडेटेड किया गया है, इसकी ग्लॉसी ग्लिटरी फिनिशिंग की गई है लेटेस्ट वाले वेरियंट में। ये देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम की भाई फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है, ये वाला पार्ट थोड़ा अलग मेटल का प्रोवाइड किया गया है आपको प्लास्टिक में, और इसमें देखिए इसमें भी एज इट इज़ सेम रहने वाला है, ग्लॉसी फिनिशिंग ही है, लेकिन इसमें भाई अलग है, इसमें कार्बन फाइबर भी प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक है, और FI फ्यूल इंजेक्टेड प्रोग्राम्ड सब कुछ इसमें वही देखने को मिलता है, ठीक है। और फ्रंट से देखें तो हेडलाइट वगैरह में क्या चेंजेस हैं, नंबर प्लेट एज इट इज़ दोनों में सेम रहने वाली है, 2024 मॉडल, ये ओल्ड मॉडल है, 3D एनवलप हेड में रहने वाला है। इंडिकेटर्स के LEDs वगैरह भाई चेंज की गई हैं, इंडिकेटर्स आप देख लीजिए काफ़ी मोटे से थे, ये वाले थोड़े पतले से किए गए हैं, काफ़ी ब्लिंकेबल रहने वाले हैं, फ्लेक्सिबल भी काफ़ी सही हैं, ठीक है, ये वाले भी फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादा सही प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस लेटेस्ट वेरिएंट में। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर का टच इस कलर वेरिएंट में नहीं है, वो केवलर ब्राउन कलर में देखने को मिलता है, जो गोल्ड कलर वाला फिनिशिंग आता है। अंदर की जो LEDs वगैरह हैं वो काफ़ी ब्राइट बढ़िया की गई हैं। यहाँ पर फ्रंट में भी ऊपर भी आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग लेटेस्ट वेरियंट में देखने को मिलती है, इसमें नहीं है, कलर वेरियंट्स के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है, फ्रंट मडगार्ड देख लीजिए डुअल टोन में मिलता है, फिनिशिंग इसमें भी सेम ही है, बस ABS यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डुअल है, इसलिए डुअल चैनल ABS है। रिम टेप आपको वही देखने को मिल जाती है नियॉन फिनिशिंग के साथ, और KYP के कैपलर रहने वाले हैं दोनों में, USD फॉक्स आने वाले हैं। एक और चीज़ अपडेटेड है जो बहुत बड़ी है, यहाँ देखिए इसमें कोई रिफ्लेक्टर वगैरह आपको नहीं दिया जाता था, ठीक है, इन सस्पेंशंस पर, लेकिन लेटेस्ट वेरिएंट में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया जाता है, काफ़ी प्रीमियम किया गया है इन फॉक्स को, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सस्पेंशंस पे भाई यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया जाता है, लेकिन ओल्ड वेरिएंट में यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी बढ़िया अपडेटेड है। इसके क्लस्टर्स वगैरह भाई वही सेम रहने वाले हैं, क्लस्टर्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, और इसके हैंडल बार वगैरह भी वही सेम रहने वाला है। लेकिन इसमें आपको एक और बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, इसमें आपको हैजार्ड भाई देखने को मिल जाता है, ठीक है, और हैजार्ड भाई ओल्ड मॉडल में भी आता था, ये देख लीजिए इसमें भी है। इंजन कट स्टार्ट पावर किल फीचर का भी आपको स्विच एक ही देखने को मिल जाता है, एक ही बटन से आप स्टार्ट कर सकते हो, एक ही बटन से आप इसको किल भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में ही आपको 160cc का पावर प्रोवाइड किया जाता है। इंजन काउल वगैरह देख लीजिए लेटेस्ट वेरियंट में, और इसमें भी इंजन काउल वगैरह देख लीजिए, ठीक है, ये इसका रेडिएटर है इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, ओल्ड मॉडल का, और लेटेस्ट वेरिएंट का ये रहा रेडिएटर, तो काफ़ी सही देखने को मिलता है। और एल्यूमिनियम के भाई फुटरेस्ट वगैरह रहने वाले हैं, साड़ी जाल काफ़ी मजबूत किया गया है बेहतरीन क्वालिटी का, और साड़ी जाल पहले भी काफ़ी सही है अब भी सही है भाई, इसमें आप पैडल भी लगवा सकते हो जैसे कि आपको हम हर वीडियो में बताते हैं। और पीछे वाला भाई ये इतना फ्लेक्सिबल किया गया है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल एकदम रबड़ की तरह रहने वाला है, छूते ही भाई मुड़ रहा है ये भाई, कोई भी बंदा इसमें कितना भी ठोक दे इसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है फेंडर को, लेकिन ये वाला इतना फ्लेक्सिबल नहीं था जितना कि ये है, ठीक है, इसके मुकाबले ये काफ़ी फ्लेक्सिबल किया गया है। और भाई
सेवन स्टेप एडजस्टेबल आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, उसमें भी सेवन स्टेप है। और अंदर का वाई फेंडर ये रहा, यहाँ पर आपको टेल एग्जॉस्ट नोट, ये एग्जॉस्ट है, इसके प्लेट वगैरह भाई थोड़ा चेंज किया गया, फिनिशिंग काफ़ी सही है। इंजन की फिनिशिंग की बात करें तो जो लेटेस्ट मॉडल है ग्लॉसी फिनिशिंग में इंजन के ऊपर का पेंट किया गया है, और पुराने मॉडल में भाई ग्लॉसी नहीं था लेकिन ब्लैक की फिनिशिंग में ही था, जिससे ये ऐसा लगता था कि ग्लॉसी है, ठीक है। और फेंडर देख लीजिए, आपको मैट की फिनिशिंग में देखने को मिलता है, इसमें भी मैट की फिनिशिंग में आता था, लेकिन ये थोड़ा पुराना है, गंदा भी हो चुका है, इस वजह से आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो और इसमें आपको चार्जर भी देखने को मिलता है, देख लीजिए यहाँ पर चार्जर है इसका, ठीक है। और उसमें भी ओल्ड मॉडल में भी आपको चार्जर देखने को मिलता है, आपको दिखाई देते हैं एक बार, ये रहा चार्जर वगैरह, ठीक है, आपको खोल के दिखा देते हैं, सही है। और टैंक है, टैंक कॉल भी देख लीजिए ऊपर से, दोनों में ही सेफ देखने को मिलता है। और डिजिटल मीटर में भी थोड़ा अपडेट है, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा इतनी नहीं हो सकती है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस थे इन बाइक्स में। अब अगर आप लोगों की क्वेरी वगैरह रहती है इन बाइक्स को लेकर तो कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, नहीं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।